हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और आप सभी का बुजुर्गों के साथ वेलकम। तो आज फिर मैं अपनी माता जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। इनसे मैं इनकी लंबी उम्र का राज पूछूंगी, जो इन्होंने इतना लंबा जीवन जी रही है। इतनी लंबी उम्र आज के तो सुनने में नहीं आता है। तो इनके स्वास्थ्य ठीक रहा तभी तो ये लंबा जीवन जी पाई। तो चमेली देवी जी, आप ये बताएंगी, जो आपका जीवन है, आपका स्वास्थ्य का ध्यान आपने कैसे रखा? 4 बजे उठते थे। अच्छा जी। चक्की पीसते थे। अच्छा, चक्की पीसते थे। चक्की पीसते थे और बाकी खाना हमारा शुद्ध था, खाद का खाना नहीं था हमारा। हाँ। सब अच्छा बढ़िया। चक्की पे नहीं पिसाते थे आप? नहीं, चक्की पे नहीं पिसाते। बाजरा सब चीज, सब चीज चक्की से पीसते। अच्छा। थे। पानी कहाँ से लाते थे? कुआं से पानी लाते थे। अच्छा। कुआं का भर भर कर अपने लेते, नहाते धोते थे। अच्छा। दिन में टाइम नहीं लगता काम में, तो रात को पानी भरते थे। अच्छा। तो बच्चे भी थे आपके तब छोटे, और आपने ये इतना काम भी करते थे? काम भी करते थे। अच्छा, आपकी कोई मदद भी करता था? मदद बस यही थी, दादी थी मेरे सिर में पास। अच्छा। बच्चों को खिला लेती थी, रखती। अच्छा। माँ थी। हाँ। बस इनमें एक मेरे साथ थी, वो जल्दी गुजर गई थी। अच्छा। वो भी काफी उम्र की हो गई थी। अच्छा। बस ऐसे ही चलता रहा, फिर मैं अपने बच्चों में रही मस्त। अच्छा। खाना पीना यही, जिस टाइम गुआर की फली खा ली, कत्तर की खा ली, ये चोना की फली खा, कोई नुकसान नहीं करती, कोई नुकसान नहीं करती। और आजकल ये चीजें नुकसान करती है, नुकसान करती है। और चीज है ना, ये फली फूली सब ये खा कर ना, अपना सांगर भी खाते थे, सांगर खाते थे जाटो, जंग जलेबी और टीट तोड़ तोड़ के लाते जंगलों से। अच्छा। सारी चीज जंग। अच्छा, टीट तोड़ के लाते थे। कोई एक जंगल की घटना याद है आपको? कोई घटना एक याद है मेरे। हाँ जी, वो घटना बताओ। रात को 12 दिन के 12 बजे थे। अच्छा जी। दिन के 12 बजे एक जनानी और थी मेरे साथ। अच्छा। हम टीट तोड़े थे वहाँ कैरों पर, टीट तोड़ते तोड़ते खेत के सारे कैर थे। अच्छा। टीट तोड़ते थे, वो जरूर बोली मेरे साथ वाली आ जा बोली, उस कैर का बहुत टीट लग रही। अच्छा। मैं कहा चलो भाई। तो वहाँ कई बच्चे थे, जोड़ी कर रखी थी उनने, जैसे कोई टीट तोड़ने लग रही है, बच्चे थे, लुगाई थी। अब जब हम पास गए तो हमारे कुछ भी नहीं नजर आया। तो इसका मतलब कोई भूत प्रेत था वहाँ पे? वहाँ कोई भूत ही प्रेत था वो, या कोई आपको ऐसा लगा होगा वहाँ कोई खड़ा है और आप गए तो गायब होगी, तो डर नहीं लगा आपको? नहीं, डर नहीं लगे। फिर हम वहाँ से चल दिए। अच्छा अच्छा। हमने देख कर फिर टीट तोड़ के लाते थे, उसका अचार डालते थे, सब्जी बनाते थे। अच्छा, उसका स्वाद कैसा होता था? बहुत बढ़िया, कोई पेट में गड़बड़ नहीं होती। अच्छा। सांगर खाते थे। अच्छा। जंग जलेबी भी खाते थे। जंग जलेबी भी खाते थे, सांगर की सब्जी बहुत स्वाद होती थी। अच्छा। वो बहुत ज्यादा खाते थे। तो बाजरे की खिचड़ी आप कैसे बनाते थे? आजकल तो बाजरे की खिचड़ी लोगों को टेस्ट ही नहीं पता। बाजरे की खिचड़ी, एक तो बाजरा, दूसरा चल गया। अच्छा। देसी बाजरा नहीं रहा। अच्छा जी। हमारे टाइम में देसी बाजरा था, उसको कूटते 2-3 बार कूट कर लाड़ी तार के। अच्छा। फिर उसकी कूट कर फिर हम खिचड़ी बनाते थे। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी, तो सारे बच्चे खा लेते थे। आजकल के तो बच्चों में सोनख रहे, वो खाते ही नहीं है। हम तो उस खिचड़ी के अंदर जो तिलों का तेल होता था ना, कई दफा रंगती में डाल देते। अच्छा। चिकनी हो जाती, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अच्छा होता है। तिलों का तेल भी खाते थे सर्दियों में, सारी चीज खाते थे। तो आपने देखो, इतने आपके बच्चे भी हुए, इतना काम भी किया, और आपने अपना इतनी लाइफ स्पेन जो आपने स्पेंड किया है, कभी दुख तकलीफ नहीं हुई, कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए आप, है ना? तो आप अपने परहेजों से रहे। हाँ? जो कोई चीज आपको नुकसान कर रही है वो नहीं खाई, आप भी नहीं खाती। तो आपके पति जो थे वो भी आपका सहयोग करते थे? हाँ, वो अच्छे से रहता था, वैसी बात। हाँ, तो सहयोग करते थे बच्चों के पालन पोषण में भी? मैं नहीं काम करती, बच्चों के भाई कोई नुहाना धुआना। अच्छा। दूध दाध देना, साथ में भी लगे रहते। हाँ। हम भी लगे रहते। अच्छा, शुद्ध शाकाहारी भोजन आपके स्वास्थ्य का? स्वास्थ्य का शुद्ध खाना खाए। हाँ। जो स्वास्थ्य का आधार है आपका? लस्सी खानी। अच्छा। सवेरे बासी खिचड़ी खा लेते। अच्छा। दही के साथ, कोई गर्म की जरूरत कौन थी। अच्छा। रोटी भी मैं तो अब भी ठंडी खाकर खुश हूँ। अच्छा अच्छा। बाकी गर्म रोटी नहीं वो सूट करती। ठीक है ठीक है, ठंडी रोटी खाओ। और आप कपड़े भी कोई बिल्कुल सिंपल पहनते होंगे? सिंपल। कोई इनकम तो थी नहीं आपकी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी? नहीं नहीं, कोई हम पाउडर करीम बिंदी टिक्की कोई फैशन नहीं करे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके परिवार में और कितने सदस्य थे जब आप यहाँ पर शादी करके आई थी? बस एक सास थी, बुढ़िया राजस्थान से आए हुए थे। अच्छा। आपके परिवार के सदस्य नहीं रहते थे यहाँ पे? नहीं रहते थे, वो तो परिवार था, कोई बीकानेर चला गया, कोई गांव में रह गया। आपकी माँ और दादी ने आपका साथ दिया? माँ ने दादी ने साथ दिया हमारा। अच्छा, अच्छा। बच्चों को खिलाती थी, पढ़ाती। अच्छा, थी, बहुत साथ दिया मेरी दादी को, मेरा बहुत साथ दिया। तो आप सुना, आप बच्चों को जब मेला वेला लगता था तो बच्चों को ले जाते थे दिखाने आप? हाँ, मैं भी चलती थी, इसके पापा जाते थे। अच्छा।
क्यों मेरे को तो टाइम नहीं था, उंगली पकड़ कर ले जाते दिखा जाते थे, यानी कि बच्चों को अपने शौक भी पूरे करवाए अपने। हाँ, बच्चों को दिखा जाते पराना उड़ाना, जैसे बसंत आई नए कपड़े बना दिए, होली आई नए कपड़े बना दिए बच्चों के, ठीक है ठीक है, बाकी पहनते रहते ऐसे ऐसे बदल सदर का अपना पहनते। चलो, आपने अपना जीवन यापन किया ऐसे, तो आपका स्वास्थ्य बनाए रखे परमात्मा, मैं यही कामना करती हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।